हेलो दोस्तों, चुनमुन के नुस्खे पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ब्रेड कस्टर्ड रसमलाई। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ब्राउन ब्रेड लिया है, आप चाहे तो वाइट ब्रेड ले सकते हैं, और हमने गिलास की मदद से गोलाकार काट लिया है, गोल गोल। इसके बाद हमने ड्राई फ्रूट लिए हैं कुछ, जो हमारे पास था, आपके पास जो हो वो ले सकते हैं। हमने लिया है काजू, चिरौंजी, पिस्ता, किशमिश और बादाम। इसके बाद हमने लिया है 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। शक्कर लिया है स्वादानुसार, कस्टर्ड घोलने के लिए ठंडा दूध लिया है, देसी घी लिया है, 1/2 लीटर दूध हमने पहले से गाढ़ा करके रखा हुआ है। अब हम इसमें शक्कर मिला के 2-4 उबाल आने तक गाढ़ा करेंगे। और अब इसमें जो हमने कस्टर्ड घोल के रखा था उसको मिक्स कर देंगे। कस्टर्ड डालने के बाद थोड़ा गाढ़ा कर लेंगे, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, ज़्यादा हमने डाला भी नहीं है इसलिए। आप देख सकते हैं हमारा कस्टर्ड इस तरह से गाढ़ा हो गया है। अब जो हमने ब्रेड ग्लास से गोल गोल काट के रखा था उसको देसी घी में तल के रखूंगी। तल के उनको क्रिस्पी करके रख लेना है। अब हम जो तल के रखा हुआ था उसको ऊपर से कस्टर्ड डाल के डेकोरेट करेंगे। अब हमने डेकोरेट कर दिया है। सारे कस्टर्ड डालने के बाद और आप इसको ठंडा करके खिलाइए, खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है, एक बार ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।